आज का विषय है जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर। मैंने विशाल खन्ना जी को कहा था ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, आप एक ही रखना, या तो जस्टिस विद इन ईयर रखना या जस्टिस फॉर ऑल रखना, तो वक्ताओं का कंसंट्रेशन बना रहेगा। अब उनको जस्टिस फॉर ऑल उनको अच्छा लग रहा था, जस्टिस विद इन ईयर हमें अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, दोनों टॉपिक दे दिया। तो ये हुआ कि हर वक्ता फ्री है, वो जस्टिस फॉर ऑल पे बोले या जस्टिस विद इन ईयर पे बोले। मुझे एक चीज बताइए, हमारे वैज्ञानिक अग्नियान बना सकते हैं, चंद्रयान बना सकते हैं, मंगलयान बना सकते हैं, हमारे डॉक्टर 6 महीने के अंदर कोविड की वैक्सीन बना सकते हैं, पहाड़ों पे हाईवे बन सकता है, 16-16 लेन के हाईवे बन सकते हैं, तो कानून नहीं बन सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा, बन सकता है। और कोई लागत आती है क्या कानून की? नहीं। झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना पाप हो या ना हो, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध है। इस एक कानून ने झूठ बोलना गंभीर अपराध है वहां की न्यायिक व्यवस्था को फास्ट ट्रैक पे लाके दिया। आप एक कानून बनाइए जो झूठी कंप्लेन करेगा, जो झूठी गवाही देगा, जो झूठा बयान देगा, जो झूठा मुकदमा दर्ज कराएगा, उसको हम 10 से 20 साल की सजा के सजा देंगे, 10 से 20 साल की सजा देंगे। और इसको ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अरे यही तो करना है। FIR लिखवाते समय लिखना है सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, सेवा में सो 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 मेरे साथ ये हुआ, और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पे मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। इतनी अंडरटेकिंग देनी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इतनी अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दिया जाए, 50% फॉल्स केसेस, चाहे वो SC ST का केस हो, चाहे रेप का केस हो, जमीन का केस हो, मर्डर का केस हो, अपहरण का केस हो, आधे केस खत्म हो जाएंगे। आप बनाइए कि झूठी गवाही पे 10 से 20 साल सजा होगी, बाकी दूसरे तो छोड़िए, बेटा भी बाप के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, बोलेगा तूने अपराध किया है भैया तू निपटा, हम झूठी गवाही देगा, हम 10 साल जेल में क्यों रहे? और अगर मंगलयान बन सकता है, चंद्रयान बन सकता है, तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बन सकता? अरे संविधान में 125 बार संशोधन हो सकता है, तो एक बार और 126 बार संशोधन नहीं हो सकता है क्या? आर्टिकल 20 इतने कहता है ना कि आप किसी को उसके खिलाफ गवाह नहीं बनाएंगे। तो ठीक है, जब यह संविधान बन रहा था उस समय तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता है, यह व्यवस्था थी नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने के लिए आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे भैया दिल्ली वाले सुबह से लेकर शाम तक गंदी हवा ले रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, मिलावटी फल खा रहे हैं, मिलावटी सब्जी खा रहे हैं, मिलावटी पनीर खा रहे हैं, मिलावटी दूध खा रहे हैं, तो एक बार झूठ पकड़ने के लिए अगर 2 इंजेक्शन और लगाना पड़ गया तो कौन सी आफत टूट जाएगी? ये तो स्वास्थ्य विभाग ने बोला कि हमारी उम्र 10 साल कम हो चुकी है, किस लिए? क्योंकि हम दिल्ली वाले गंदी हवा लेते हैं, गंदा पानी पीते हैं, हमारे फल में मिलावट है, हमारे सब्जी में मिलावट है, हमारे दूध में मिलावट है, हमारी हर चीज में मिलावट है। तो अगर हर चीज में मिलावट हो सकती है, हम जहर ले सकते हैं, तो सच उगलवाने के लिए एक इंजेक्शन लगा के नार्को टेस्ट करने में क्या दिक्कत है? एक इंजेक्शन लगा के पॉलीग्राफ करने में क्या दिक्कत है? एक इंजेक्शन लगा के ब्रेन मैपिंग करने में क्या दिक्कत है? हो सकता है, लेकिन दिक्कत केवल यह हो गई, आम जनता ने इसको ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ मुद्दा बनाया नहीं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। और सर ये 5 करोड़ मुकदमे कौन से हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे? इसके पैरेलल 5 करोड़ मुकदमे चलते हैं तहसीलदार के यहां, SDM के यहां, ADM के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, DDC के यहां, SOC के यहां।
तो टोटल 10 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। अब अगर एक मुकदमे से एक परिवार टेंशन में आ रहा है और एक परिवार में एवरेज 6 आदमी रखिए आप, तो 5 करोड़ मुकदमे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है, इससे 5 करोड़ परिवार टेंशन में है, इसका मतलब 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, डीडीसी के यहां, एसओसी के यहां पेंडिंग है, मतलब उससे भी 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। तो 30 करोड़ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से टेंशन में है और 30 करोड़ भारतीय जो रेवेन्यू वाला मुकदमा उससे टेंशन में, यानी टोटल 60 करोड़ लोग टेंशन में। 60 करोड़ का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, इसका मतलब 30 ऑस्ट्रेलिया के बराबर भारत में मुकदमों से टेंशन में। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, इसका मतलब 15 कनाडा के बराबर भारत में लोग मुकदमों से टेंशन में। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, यानी 5 रूस भारत के अंदर मुकदमों से टेंशन में। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, इसका मतलब लगभग 2 अमेरिका भारत के अंदर मुकदमों से टेंशन में। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है, इसका मतलब लगभग 3 ब्राजील भारत में मुकदमों से टेंशन में। समाधान क्यों नहीं हो रहा है? समाधान यहां थोड़ी निकलेगा। समाधान इसलिए नहीं निकल रहा है कि भारत में लोग दल गुलाम है, पार्टियों के गुलाम है, नेताओं के गुलाम है, और इतिहास नहीं देखा उन्होंने। पहले राजाओं की गुलामी करते रहे, अब नेताओं की गुलामी शुरू कर दी। पहले राजाओं की गुलामी करते रहे, अब पार्टियों की गुलामी शुरू कर दी। अच्छा, आम जनता करे तो करे समझ में आता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको हमने मीडिया कहा है। आज तक आपने मीडिया को पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा करते देखा? जरा जोर से बोलिए। जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा करते देखा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे चर्चा करते देखा? गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, सब कुछ गुलामी का, मीडिया उस पर चर्चा नहीं करता। अगर आप भारत की समस्याओं की वाई एनालिसिस करिए तो आपको 50% समस्याओं का जो रूट काज है वो ये सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है और सड़े हुए कानून है। घूसखोरी इसलिए है कि न किसी घूसखोर की प्रॉपर्टी नहीं जब्त होती, किसी घूसखोर की सिटीजनशिप खत्म नहीं होती और किसी घूसखोर को आजीवन कारावास फांसी नहीं होता। चीन में अभी दो साल पहले चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है, कुछ पैसे ले लिए थे उसने। एक कंपनी के जीएम को फांसी हुई है, थोड़े से पैसे ले लिए थे। सिंगापुर में एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके जा रहा था, फांसी दे दिया। ये जो कठोर कानून होते हैं ना, ये रोज रोज चलाने के लिए नहीं होते। जैसे हमने जो परमाणु बम बना रखा है, चलाया क्या? अग्नि मिसाइल बना रखी है, चलाया क्या? ब्रह्मोस बनाया है, चलाया क्या? राफेल खरीदा है, चलाया क्या? नहीं, ये डराने के लिए होता है। कठोर दंड, कठोर कानून डराने के लिए होता है। हाँ, बीच में कभी कभी चला दिया जाता है। हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, छड़ी लेके चलते हैं, क्या रोज छड़ी से कुत्ते को मारते हैं क्या? जोर से बोलिए। नहीं, वो छड़ी देख के कुत्ता आता ही नहीं पास में, तो छड़ी डेटरेंट का काम करता है। छड़ी रोज चलाने के लिए नहीं है, बस छड़ी लेके रखते हैं, वॉक करते रहते हैं, जिससे कुत्ते अपने आप हमारे पास आए ना। जिन देशों ने कठोर कानून बनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया, आज वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और जहां पे जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं हुआ, कानून कठोर नहीं बने, वहां बदहाली है। एक के बाद एक घोटाले होते चले गए। आज तक किसी भ्रष्टाचारी की न नागरिकता खत्म हुई, न उसको आजीवन कारावास फांसी हुआ, न उसकी सिटीजनशिप खत्म हुई, तो भय आएगा कहां से? ये तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भय बिन होय न प्रीत। विदुर जी ने लिखा है, सठे साठ्यम समाचरित। तो शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, तो अराजकता रुकेगी कैसे? और यह है क्यों नहीं? क्योंकि जनता दल गुलाम है। जनता या तो जाति के नशे में झूम रही है, तो भाषा के नशे में झूम रही है, तो क्षेत्र के नशे में झूम रही है, अगड़े पिछड़े के नशे में झूम रही है, वो झूम ही जा रही है। पार्टियां जैसे उसको नचा रही हैं, जो जो अफीम खिला के वो अफीम खा खा के नाच रही है।
और दुर्भाग्य आप देखिए 60 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है और जुडिशियल रिफॉर्म किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है, जस्टिस फॉर ऑल और जस्टिस विद इन ईयर किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। क्यों? डिमांड ही नहीं किया। अरे वो आम जनता किसान मजदूर क्या डिमांड करेगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जानते हैं जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है। मैं कह रहा हूं आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, 1 घंटे के अंदर FIR हो सकती है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो सकती है, और आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है 1 साल के अंदर फैसला हो सकता है। यानी जस्टिस फॉर ऑल भी पॉसिबल है और जस्टिस विद इन ईयर भी पॉसिबल है। एक प्लीज थोड़ा बीच में बोलिए, नहीं इतना ही तो करना है। एक कानून बना दिया जाए, हमारे पास ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। अब मैं अमेरिका और भारत के कानून का अंतर बता रहा हूं, हमने कैसे घटिया कानूनों का मकड़जाल बनाया हुआ है और अमेरिका में कैसा कानून है। हमने अपराध रोकने के लिए 50 कानून बनाए, 50। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी अलग कानून, मिलावटखोरी अलग कानून, कालाबाजारी अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मुनाफाखोरी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, बलात्कार का अलग कानून, हत्या का अलग कानून, फिरौती अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, पॉक्सो है, SC ST एक्ट है, दुनिया भर का 50 कानून। जस्टिस की शुरुआत कहां होती है? थाने से। थाने में FIR कौन लिखता है? हवलदार। हवलदार कितना पढ़ा लिखा है? 10वीं या 12वीं। वो 10वीं और 12वीं पास हवलदार इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि 50 कानूनों की 50 सारी उसकी धाराएं उसके दिमाग पर रहेगी। अगर हम लोग जनवरी की अलग डायरी यूज करें, फरवरी की अलग डायरी, मार्च की अलग डायरी, अप्रैल की अलग डायरी, यानी साल की 12 डायरी, हमारे लिए वो 12 डायरी यूज करना, मेंटेन करना आसान है या हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सारी एक साल की एक डायरी बना दिया तो आसान है? जोर से बोलिए जरा, एक साल की है। तो अगर ऐसे कर सकते हैं, अमेरिका कर सकता है। अमेरिका ने क्या किया, जो हमारे 50 कानून है ना उसको इस एक किताब में डाल दिया। हमारे उसको इंडियन पिनल कोड कहते हैं, अमेरिका में इसको फेडरल पिनल कोड कहते हैं। क्या किया उसने? चैप्टर वाइज लिख दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। ये देखिए चैप्टर 55 मेरे सामने खुला है, किडनैपिंग, चैप्टर 57 लेबर, चैप्टर 59 लिक्विड ट्रैफिक जो शराब की तस्करी करते हैं, चैप्टर 61 लॉटरी, चैप्टर 73 मेल फ्रॉड अगर ईमेल डाल के ऑपरेट करते हैं। तो उसने साइबर फ्रॉड से लेके बलात्कार से लेके अपहरण से लेके आतंकवाद से लेके अलगाववाद से लेके सारा का सारा उसने 150 चैप्टर बनाए, 150 चैप्टर में 150 अपराध बना दिए और एक ही किताब में डाल दिया। FIR लिखने वाले के कांस्टेबल के लिए बहुत आसान है, एक चैप्टर खोलेगा, आपकी कंप्लेन पड़ेगा, कंप्लेन में क्या क्या आपने कंप्लेन किया, फट से इंडेक्स खोलेगा, सब में इंडेक्स में धारा लिखी हुई है, आपका FIR तुरंत लिख देगा। इन्वेस्टिगेशन करने वाले के लिए भी आसान, एक ही किताब हाथ में लेके चलना है इन्वेस्टिगेशन करते समय। जज के लिए बहुत आसान, वो 55 एक धारा इधर देखना, एक धारा उधर देखना, एक धारा उधर देखना नहीं, एक किताब खोला, इंडेक्स में गए, पेज नंबर देखा, फटाफट देख लिया किस धारा में क्या लिखा हुआ है। वकील के लिए बहुत आसान, जाते समय 50 किताब लेके नहीं जाना है कोर्ट, एक किताब लेके जाना है, इंडेक्स खोला, फटाफट हो गया। हमारे देश में हमारा डेटा, हमारे देश में ये जो नौकरशाह हैं या कानून निर्माता हैं, अपना डेटा सुरक्षित करने के लिए अमेरिका का आईफोन तो यूज करते हैं, लेकिन भारत का डेटा सुरक्षित रहे उसके लिए भारत का कानून यूज नहीं करते। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करिए, 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करिए, और भारत में 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करिए। एक पुलिस चार्टर बनाइए, 1 घंटे के अंदर FIR लिखना ही पड़ेगा, 1 महीने 1 हफ्ते के अंदर जांच पूरी करना पड़ेगा। एक जुडिशियल चार्टर बनाइए, आपको 1 साल के अंदर फैसला देना ही पड़ेगा, और 1 साल के अंदर फैसला हो सकता है। भाई ये भगवान लिख के थोड़ी गए कि तुम तारीख 3-3 महीने पे दो, 3-3 महीने की तारीख क्यों, हफ्ते हफ्ते भर की तारीख क्यों नहीं। जिसका मुकदमा सोमवार को है उसकी अगली तारीख अगला सोमवार,
जिसका मुकदमा मंगलवार को है उसका अगली तारीख अगला मंगलवार, एक एक हफ्ते तारीख क्यों नहीं हो सकती? अगर तीन महीने पर तारीख हो सकती है तो एक एक सप्ताह पर तारीख क्यों नहीं हो सकती? जब आपने झूठ बोलने को पाप बना दिया, झूठ बोलने को गंभीर अपराध बना दिया, आपके आधे मुकदमे ऐसे ही खत्म हो गए, आधे गवाह ऐसे ही टूट गए, आपकी आधी शिकायतें ऐसे खत्म हो गई, फिल्टरिंग हो गई, तो जो 5 करोड़ है वो तो 2.5 करोड़ हो गया। अब जो 2.5 करोड़ है उसमें आपने आगे भी प्रावधान किया, भाई अभी भी देख लो, तुम्हारे पास मौका है, शिकायत तक झूठी चलेगी अभी भी वापस लो, आगे अगर पकड़े गए तो याद रखो जितनी उधर सजा मिलनी थी इतनी इधर सजा मिलेगी। अमेरिका में जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। आप लोग गूगल करिएगा, डेविड कोलमैन हेडली जो एक आतंकवादी था उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था उसने क्राइम किया है, या जो भी चोरी करते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शर्ट चुराने की सजा 5 साल की है और झूठ बोलने की सजा 10 साल की है। अगर शर्ट चुराया एक्सेप्ट कर लेगा तो 5 साल की सजा होगी, शर्ट चुरा के झूठ बोलेगा मैंने शर्ट नहीं चुराया और बाद में प्रूव हो गया शर्ट चुराया तो कितने साल सजा होगी? 15 साल। 10 साल झूठ बोलने की, 5 साल शर्ट चुराने की, तो क्या करेगा मजबूर में, भैया हां हमने शर्ट चुराया। यह होता है कानून का खौफ, यह होता है कानून का खौफ। जस्टिस विद इन ईयर पे आज तक भारत के किसी विधानसभा में चर्चा ही नहीं हुई। जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर भारत की लोकसभा राज्यसभा में आज तक कभी चर्चा ही नहीं हुई। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि भारत में कम से कम 500 न्यूज चैनल है, जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर आज तक किसी न्यूज चैनल में भी चर्चा नहीं हुई। तो ना कार्यपालिका चर्चा कर रही, ना लोक, ना विधायिका कर पा रही, ना न्यायपालिका में, और जस्टिस विद इन ईयर के सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा नहीं हुई। मैं आज इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आप भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट बार को, हाई कोर्ट के सभी बार को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखिए। जितने अब तक एडवोकेट जनरल हैं, भूतपूर्व एडवोकेट जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, भूतपूर्व सॉलिसिटर, सबको चिट्ठी लिखिए, एक सजेशन ले लीजिए। चलो मान लो आ गया 1000 सजेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बहुत अच्छा कानून आता है, पूरी दुनिया में जाते हैं इसलिए उनको यह भी पता है सिंगापुर में क्या है, कनाडा में क्या है, अमेरिका में क्या है। चलो विधायिका को नहीं ज्यादा पता, सांसदों विधायकों को ज्यादा कानून नहीं पता, आईएएस आईपीएस को ज्यादा कानून नहीं पता, मीडिया को ज्यादा कानून नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो कानून पता है कि किस देश में क्या चल रहा है। कनाडा में रेंट का मुकदमा 1 महीने में कैसे डिसाइड हो जाता है ये उनको पता है, सिंगापुर में नशा तस्करी क्यों नहीं होती ये पता है, और नहीं भी पता हो तो उस देश के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लेके पूछ सकते हैं ना, आप ये बताओ जी हम जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहते हैं, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना चाहते हैं, आप बता दो आप क्या क्या सजेशन देते हो। सिंगापुर भी बता देगा, अमेरिका भी बता देगा, जापान भी बता देगा, फ्रांस भी बता देगा, सब बता देंगे, और एक लिस्ट कंपाइल करके सरकार को दे दीजिए। मैं स्पेशली चीफ जस्टिस साहब से इसलिए कह रहा हूं कि बड़े दिनों के बाद एक बहुत ही डेडिकेटेड और बड़े मेहनती और ईमानदार चीफ जस्टिस आए, जस्टिस चंचूर साहब बड़े ईमानदार हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 3-3:30 बजे उठते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आम जनता को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आम जनता को 1000 पेज का जजमेंट नहीं चाहिए, आम जनता को 1 पन्ने का ऑर्डर चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर, दैट्स इट, उसको नहीं चाहिए। जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ है वो नहीं चाहता उसको 1000 पेज का जजमेंट, वो चाहता है उस बलात्कारी को साल भर के अंदर सजा हो। जिसका, जिसके घर पे कब्जा हो गया वो 1000 पेज का जजमेंट नहीं चाहिए, उसको चाहता है कि मेरा घर जल्दी खाली हो। जिसकी जमीन पे कब्जा हो रखा है वो चाहता है जल्दी उसकी जमीन खाली हो। भारत में
और जब तक कानून बनेगा तब तक तो कई काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में सजा देने का दो प्रावधान है, एक को कहते हैं कंसेक्यूटिव सेंटेंस, एक को कहते हैं कॉन्करेंट सेंटेंस। कॉन्करेंट में क्या होता है, सभी धाराओं की सजा साथ साथ चलती है। मान लीजिए पांच धाराओं में सजा मिली है और सब में पांच पांच साल की मिली है, तो कॉन्करेंट का मतलब टोटल पांच साल सजा होगी। लेकिन कंसेक्यूटिव का मतलब पहले पांच साल चलेगा, फिर पांच साल चलेगा, फिर पांच साल, मतलब उसी में अगर सेंटेंस में लिख दिया कंसेक्यूटिव सेंटेंस, उसको 25 साल सजा होगी। इतनी छूट, इतनी लिबर्टी वर्तमान कानून में है, लेकिन हमने नहीं देखा कि जजेस कभी कंसेक्यूटिव सेंटेंस देते हो। बाहर के देशों में, कुछ देशों में बलात्कार से भी ज्यादा गंभीर भ्रष्टाचार को माना गया। क्यों? उनका यह मानना है कि बलात्कार बहुत कई बार अनप्लान्ड वे में भी हो जाता है, नशा कर लिया, दिमाग खराब हो गया, कोई और बात हो गई, हो गया। लेकिन जो करप्शन होता है यह कभी अनप्लान्ड नहीं होता, वेल प्लान्ड होता है। इसलिए भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा अपराध मानते हैं। और भारत की आधी समस्याओं का रूट काज यही है, घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। घुसपैठिए 2000 रुपए दे के आ रहे, 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस और 2-3000 रुपए में अपना वोटर आईडी नाम जुड़वा लेते। रूट काज क्या है? भ्रष्टाचार। चूंकि लोगों को जल्दी से दंड नहीं मिल रहा है, कठोर दंड नहीं मिल रहा है, इसलिए घुसखोरी है। जल्दी से दंड नहीं मिल रहा है, इसलिए जमाखोरी है। जल्दी दंड नहीं मिलता, इसलिए कालाबाजारी है। जल्दी दंड नहीं मिलता, इसलिए माओवाद है। जल्दी दंड नहीं मिलता, इसलिए नक्सलवाद है। जल्दी दंड नहीं मिलता, इसलिए धर्मांतरण है। जल्दी दंड नहीं मिलता, इसलिए घुसपैठ है। जल्दी दंड नहीं मिलता, इसलिए पत्थरबाजी है। जल्दी दंड नहीं मिलता, इसलिए अवैध निर्माण है। एक आप घुसपैठियों को पकड़ा, आपने शिकायत आई, आपने उसको साल भर के अंदर सजा दे दिया, वापस गया, 10 लोग ऐसे ही वापस चले जाएंगे। तो दो चीजों की कमी है, एक तो कानून कठोर नहीं है, दूसरा दंड व्यवस्था बहुत स्लो हो गई है। स्लो करने का तरीका है, भारत में पुलिस चार्टर लागू हो, भारत में जुडिशियल चार्टर लागू हो, भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने, भारत में जजों की अकाउंटेबिलिटी तय हो कि आपको हर सप्ताह एक अपडेट देनी है, बस खत्म बात होगी। और एक बार जल्दी जल्दी मुकदमे शुरू हो जाएंगे तो भय के कारण फेक मुकदमे आने बंद हो जाएंगे। भाई 750 जिले हैं, वो जज साहब कह रहे थे कि हम पूछताछ करते हैं, जिरह करते हैं। काहे इतनी जिरह करना, जहां आपको फेस पे लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसको भेज दो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, हो जाएगा। अरे दो इंजेक्शन ही तो लगाना है, दो इंजेक्शन लगा के नार्कोटिक्स पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाएगी। वो बहन जी कह रही थी बापू जी की, चली गई शायद। तो ठीक है, जिन लोगों ने शिकायत किया उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लो और बापूजी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लो, दो दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करना क्या? और लागत कितनी? 750 जिले हैं, एक लैब बनाने में 1 करोड़ रुपए की लागत है, यानी 750 जिले में 750 करोड़। चलो और मान लेते हैं 1000 करोड़, और मान लेते हैं चलो 2000 करोड़, अरे और मान लेते हैं हम कहते 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ में अगर जस्टिस विधिनियम लागू हो जाए, मैं कहता हूं भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी, 2% बढ़ जाएगी जीडीपी। इसलिए बढ़ जाएगी, इन्वेस्टर इसलिए आने लागू शुरू हो जाएंगे, उनको पता यार अगर कोई केस हुआ भी तो साल भर के अंदर फैसला हो जाएगा। अभी तो इन्वेस्टर इसलिए नहीं आता है कि मैं आऊंगा, अगर कहीं एक मैटर आ गया, कुछ केस हो गया और मेरा मुकदमा 20 साल चलेगा तो फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। वो देख लिया तमिलनाडु में चल रहा है ना, वो अनिल अग्रवाल जी वाला, जो कौन सा क्या था, वो कौन सा प्लांट था, स्टील वाला, तमिलनाडु का एक प्लांट था, उनका मुकदमा चल रहा है, चलता जा रहा है। दसियों हजार करोड़ लगा के बैठे हुए हैं और मुकदमा चलता जा रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, भारत में भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू बन जाए, भारत में घूसखोरी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, भारत की जीडीपी कम से कम 2% बढ़ जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, घुसपैठिया चलो एक आध पकड़ा भी गया, उसके पास 5 डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं, उसको तो जेल में डाल दिया, लेकिन जिन लोगों ने 2,000 रुपए लेके उसका आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, वोटर आईडी बनाया, उसको कुछ हुआ ही नहीं।
अरे जब उसको, जब तक मददगारों को कुछ नहीं होगा, खौफ कहां से आएगा? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत की 50% समस्याओं का समाधान कठोर दंड और जस्टिस विद इंडिया, जिसका कोई कीमत नहीं है। हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स दल गुलाम हो चुके हैं, आम जनता को इसकी समझ नहीं है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग कम से कम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सामने जो लोग बैठे हुए, और कुछ मत करिए तो कम से कम फेसबुक पे इसको लिखना शुरू करिए, 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, इस बात को कहिए कि भैया हम तो इस बार उसको वोट करेंगे तो जस्टिस विद इंडिया लागू करेगा। अब नहीं चाहिए हमें हाईवे, अब नहीं चाहिए एयरपोर्ट, हमें सुरक्षा चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर चाहिए। दुर्भाग्यवश जिसका मुकदमा 30-30 साल चल रहा है, वो भी जस्टिस विद इन ईयर नहीं, उनको लगता है कि यही हमारी किस्मत में है। उनको भी नहीं पता कि दुनिया के कई देशों में 6-6 महीने में फैसला होता है। अगर दिल्ली में अपराध है और दुबई में अपराध नहीं है, दिल्ली में रात को 2 बजे घूमने से रात की बहन बेटियां डरती हैं, लेकिन दुबई में आराम से घूमती हैं रात को 2 बजे, तो डिफरेंस क्या है? किसका खौफ है दुबई में? जोर से बोलिए जरा। कानून का, कठोर कानून का। ये तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भय बिन होए न प्रीत। आदमी शांति तभी रहता है जब उसको भय रहता है, दंड का भय। शिक्षा संस्कारी हो, दंड कठोर हो, आप देखिए फट से बढ़िया व्यवस्था चल जाएगी। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर 3-4 बातें मैं कहकर अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, फिजिक्स आनर्स 3 साल में हो सकता है, केमिस्ट्री आनर्स 3 साल में हो सकता है, मैथ आनर्स 3 साल में हो सकता है 12वीं के बाद, तो ला आनर्स 3 साल में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आप लोग जरा जोर से बताइए, हो सकता? अरे भैया कायले उसको 5 साल पढ़ा रहे हो जबरदस्ती। अरे जैसे बीए बीएससी बीकॉम 3-3 साल का होता है, ऐसे बैचलर ऑफ 3 साल का कर दीजिए। आप जैसे 12वीं के बाद डॉक्टर बनाने के लिए जेई एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इंजीनियर बनाने के लिए जेई का एग्जाम करते हैं, डॉक्टर बनाने के लिए नीट का एग्जाम करते हैं, सेना में भेजने के लिए एनडीए करते हैं, ऐसे ही आप एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कर लीजिए। 12वीं के बाद टॉप की क्रीम जैसे मेडिकल में जा रही है, जैसे टॉप की क्रीम आपके आईआईटी में जा रही है, टॉप की क्रीम छांट लीजिए, उसको 3-4 साल ट्रेनिंग दीजिए, उसको जज बनाइए, वहां से ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम करिए। क्यों? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली के जजों की क्वालिटी, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की क्वालिटी, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज की क्वालिटी और उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर। जस्टिस विद इन ईयर के लिए सबसे पहले हमें बढ़िया जज चाहिए, बढ़िया। तो अगर हमारे इंजीनियर आईआईटी के निकले हुए पूरी दुनिया में धमाल मचा सकते हैं, पता नहीं कितनी बढ़िया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ बन सकते हैं, तो वही सिस्टम इधर भी लागू करिए। 12वीं के बाद क्रीम खींच लीजिए। अभी हो क्या रहा है? टॉप वाला जा रहा है पहले डॉक्टर बन रहा है, टॉप की क्रीम जा रही इंजीनियर बन रही है, वो बचे खुचे जिसका उधर कुछ नहीं हो रहा वो इधर आ रहे हैं। 5 साल का कोर्स क्यों? 3 साल का हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट कई सारे मुकदमों में 5 जजों की बेंच बनाता है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते। मैं तो कई बार कह चुका हूं सुप्रीम कोर्ट को एक सुओ मोटो लेना चाहिए जस्टिस विद इन ईयर पे। 2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच, 4 जजों की, जितना आपको लगता है 5 जजों की बेंच, एक बेंच बना दीजिए। कोई जस्टिस विद इन ईयर का विरोधी मिलेगा क्या? जोर से बताइए, आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जस्टिस विद इन ईयर पे, तो 2 पार्टी तो होगी नहीं, सरकार भी कहेगी जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए और दूसरा पक्ष भी कहेगा होना चाहिए, तो फिर समस्या कहां आई? फिर तो दोनों पक्षों सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि बताओ जस्टिस विद इन ईयर के अपने अपने दगो। जैसे मुझे लगता है नार्को पॉलीग्राफ में पिंक कानून बनना चाहिए, मुझे लगता है जुडिशियल चार्टर होना चाहिए, मुझे लगता है कि जजेस के लिए 12वीं के बाद ही 4 साल का कोर्स डिजाइन होना चाहिए, लड़के सीधे बच्चे वहां जाएं, वो 4 साल का कोर्स करें, उसके बाद वो जूनियर जज के साथ में ला के काम करें। जैसे एसडीएम वगैरह आते हैं आईएएस के बाद, तो क्या करते हैं, पहले उनको जूनियर अपॉइंट करके तहसील में रखा जाता है,
वहां से प्रमोट होते होते हाईकोर्ट भी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे, कैले कॉलेजियम से जहां क्रीम यहां मिल रही है तो फिर उधर की जरूरत क्या है? अगर एक कानून बनाने से, झूठ को गंभीर अपराध बनाने से 50% मुकदमे खत्म हो सकते हैं तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? अगर ट्रिपल तलाक के लिए कानून बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, तो नार्को पॉलीग्राफ रेट में भी होना चाहिए कहने में कोई दिक्कत है क्या? लेकिन नार्को पॉलीग्राफ रेट में भी वो सबसे बड़ी बाधा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है 2010 का, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराना ठीक नहीं है, इसमें तो उसके अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे हर साल बीमारी होती, इतने इंजेक्शन लगवाते हैं, और फिर सबको इंजेक्शन थोड़ी लगवाना। इस हॉल में बैठे हुए लोगों का नार्को पॉलीग्राफ थोड़ी होना है। नार्को पॉलीग्राफ तो तब होना है जब फेस पे लगेगा अग्नि झूठ बोल रहा है। अब वो कानून इसलिए जरूरी है कि ये बेचारे जो गरीब होते हैं ये पकड़े जाते हैं, इनको तो पुलिस थर्ड डिग्री देती है, सच उगल देते हैं, लेकिन जो बड़े सफेद पोश पकड़े जाते हैं, कानून मंत्री पकड़े जाते हैं, हेल्थ मिनिस्टर पकड़े जाते हैं, वित्त मंत्री पकड़े जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री पकड़े जाते हैं, सांसद पकड़े जाते हैं, विधायक पकड़े जाते हैं, वो सच बोलते नहीं, पुलिस उनको पीटती नहीं है, उनके खिलाफ कोई गवाही देता नहीं, तो सबूत के बाउंड बरी हो जाते हैं। इसका हमने देख लिया, 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई, कुछ हुआ क्या? नहीं। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई, किसी की नागरिकता गई? नहीं। 1,86,000 करोड़ के कोयले में किसी को नार्को, किसी को फांसी हुई, नागरिकता गई, आजीवन? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्यों? सफेद पोश सच बोलते नहीं, पुलिस उनको पीटती नहीं, कोई उनके खिलाफ गवाही देता नहीं, सबूत के भाव भरी। तो ये जो खेल चल रहा है इसको तो अब समय आ गया है, यहां बैठे आप जैसे बुद्धिजीवियों को ही इस पे बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए रोज रोज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो नहीं आ सकते। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, फेसबुक पे 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, जस्टिस विद इन ईयर की डिमांड करिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आए वोट मांगने तो उसको कहिए भैया जस्टिस विद इन ईयर लागू क्यों नहीं करते, और कोई न भी आए उसके पास पहुंच जाइए, एक आध दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी ना, यही तो करना पड़ेगा। बर्थडे मनाने के लिए छुट्टी ले सकते हैं, शादी की सालगिरह के लिए छुट्टी कर सकते हैं, घूमने टहलने के लिए छुट्टी कर सकते हैं। तो जहां जस्टिस विद इन ईयर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसके एक दिन छुट्टी करके चले गए, भाई अपने काम करो यार, हम आपको इतने दिन से करते हैं, थोड़ी इस पर चर्चा तो करो। जस्टिस विद इन ईयर देश की जरूरत है, और जस्टिस विद इन ईयर लागू करने से भारत में रामराज जाएगा। राम राज्य को मैं 4 वाक्यों में बोलता हूं, आप भी मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है। लेकिन इन 4 वाक्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वह है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी, अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना घुसपैठ नहीं रुकेगी, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना धर्मांतरण नहीं रुकेगा, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना जो अवैध सड़क के किनारे अवैध निर्माण है वो नहीं रुकेगा। तो जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए, घुसखोरी भी खत्म होगी, जमाखोरी भी खत्म होगी, मिलावटखोरी भी खत्म होगी, कालाबाजारी भी खत्म होगी, नशा तस्करी भी खत्म होगी, मानव तस्करी भी खत्म होगी, सोना तस्करी भी खत्म होगी, सड़क के किनारे अवैध निर्माण भी रुकेगा, माओवाद भी रुकेगा, नक्सलवाद भी रुकेगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी, पत्थरबाजी भी रुकेगा, जिहाद भी रुकेगा, मजहबी उन्माद भी रुकेगा, तब जाके राम राज्य स्थापित होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जस्टिस विद इन ईयर के लिए आवाज उठाइए, यह बिल्कुल संभव है, यह कोई मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, अग्नियान चंद्रयान मंगलयान से बहुत आसान है जस्टिस विद इन ईयर लागू करना। क्यों आसान? इसलिए है कि जो दुनिया में अपने मिसाइल बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी कहीं पब्लिक डोमेन में डालते हैं क्या? अमेरिका की मिसाइल की टेक्नोलॉजी कहीं गूगल पे उपलब्ध है? लेकिन अमेरिका का कानून मेरे हाथ में उपलब्ध है, ये देख लीजिए। तो अगर हमारे वैज्ञानिक विदेशों से अच्छी मिसाइल बना सकते हैं जबकि उनका कोई डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास दुनिया के कानून की कॉपी हो तो 10 कानून को पढ़ना है और 10 कानून को पढ़ के उसमें छांट के बढ़िया कानून बना देना। और जब भारत का संविधान बनाते समय 10 देशों के संविधान की नकल हो सकती है,
दस देशों के संविधान से कॉपी किया गया भारत का संविधान। तो कानून बनाते समय, जुडिशियल सिस्टम लागू करते समय दस देशों की हम कॉपी क्यों नहीं कर सकते? नशा तस्करी वाला कानून सिंगापुर से ले लो, भ्रष्टाचार वाला चीन से ले लो, अवैध निर्माण वाला अमेरिका से ले लो, घुसपैठ वाला जापान से ले लो, धर्मांतरण वाला क्या कहते हैं कोरिया से ले लो। यही तो करना है हमें, यही तो देखना है कि किस अपराध का दुनिया में सबसे बढ़िया कानून चल रहा है, वो ले लिया, ले को कंपाइल किया, वन नेशन वन पिनल कोड बना दिया, वन नेशन वन पुलिस कोड बना दिया, वन नेशन वन जुडिशियल कोड बना दिया, जजों के लिए अपॉइंटमेंट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम तय कर दिया, झूठ बोलने को गंभीर अपराध बना दिया, लॉ का कोर्स बढ़िया 3 साल का कर दिया, बढ़िया क्रीम आ रही है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील कर बनाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम बना लीजिए, कर लीजिए जो उसको क्वालिफाई करे, अभी आप स्टेट लेवल पे करते हैं सकते हैं, उसको इंडिया लेवल पे कर सकते हैं। ये सब संभव है, जस्टिस विद इन ईयर संभव है, लेकिन आप सबको आवाज उठाना पड़ेगा तभी ये संभव हो पाएगा। अदरवाइज हम लोग पिछले साल भी मिले थे, इस साल भी मिले हैं, अगले साल भी मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे जब तक पर डे इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक दिन आवाज उठाने पे बात नहीं बनेगी। विशाल खन्ना जी कितनी हिम्मत नहीं, रोज रोज सबसे आवाज उठवाते रहे, उनकी इतनी हिम्मत है कि उन्होंने साल में एक बार सबको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा कर लिया और कर लिया। इधर आई विशाल जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, लेकिन बाकी काम तो आप सबको करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा। इतना ही करना है, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए, जस्टिस विद इन ईयर लिखना शुरू करिए, पर डे कोई समस्या आए आप उसके मूल कारण में जाएंगे तो आपको सड़ा हुआ कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था मिलेगी। समाधान जस्टिस विद इन ईयर, समाधान पुलिस रिफॉर्म, समाधान जुडिशियल रिफॉर्म, समाधान जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर, ये सब हो सकता है। दुनिया के कई देशों में चल रहा है, हमारे देश में अराजकता इसलिए चल रही है कि हमारे यहां बहुत लंबा डिले होता है। सिंगापुर में अगर 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी हो सकता है तो भारत में 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी क्यों नहीं होना चाहिए? एक व्यक्ति अगर 2 लाख युआन चीन में लेता है कंपनी का जीएम अपने कॉन्ट्रैक्टर से, उसको फांसी हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? भाई ये तो सारे देवी देवता तो यहां हुए, भगवान राम यहां हुए, भगवान कृष्ण यहां हुए, भगवान महावीर यहां हुए, गौतम बुद्ध यहां हुए, भगवान हनुमान जी यहां हुए, शंकराचार्य जी यहां हुए, स्वामी दयानंद जी यहां हुए, सारे बड़े महर्षि महापुरुष भारत में हुए और यहां मुकदमा 50 साल चल रहा है। सिंगापुर में कोई पैदा नहीं हुआ, जापान में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, अमेरिका में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ। वहां देखिए सब बढ़िया काम कर रहे, ईमानदारी से काम कर रहे। सब क्यों काम कर रहे? क्योंकि वहां कानून अच्छा है, कानून कठोर है और जस्टिस विद इन ईयर लागू है। रामचरितमानस में लिखा ही है, सब नर करें परस्पर प्रीति, और फिर लिखा हुआ है भय बिन होय न प्रीत। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने बुलाया, आप सबको भी धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर सुना। आशा करता हूं आने वाले टाइम में सब लोग 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे और जस्टिस विद इन ईयर लागू करेंगे। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इतना प्रयास करिए, इतना प्रयास करिए कि इस बार पॉलिटिकल पार्टियां जस्टिस विद इन ईयर अपने मैनिफेस्टो में ले ले। एक बार जस्टिस विद इन ईयर मैनिफेस्टो में आ गया, फिर सरकार चुनाव के बाद फिर शुरू करिए, कब लागू होगा, कब लागू होगा, कब लागू होगा। डिमांड होगी सप्लाई होगी, डिमांड नहीं होगी तो कोई सप्लाई नहीं होगी। भारत माता की, भारत माता की।